विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी को स्वारघाट बिलासपुर कीर्तपुर से जोड़ने वाला मार्ग दो जगह से बंद हो गया है। वहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग पिंजौर स्वारघाट 105 भी भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। हालांकि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अभी भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। जिला के कई भागों में बरसात जारी है। गत रात हुई तेज बरसात के कारण सड़कों पर काफी नुकसान हुआ है, जिसके अलावा नदी और नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। पिंजौर स्वारघाट 105 राजमार्ग के उठपुर के समीप सुबह के समय पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने से बंद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, मौके पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जेवीसी द्वारा मार्ग को बहाल करने में जुट गए। उधर विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी को स्वारघाट बिलासपुर कीर्तपुर से जोड़ने वाला मार्ग दो जगह से बंद है, जबकि लोक निर्माण विभाग ने जेवीसी मशीनें रास्ता खोलने के लिए तैनात कर दी गई हैं, जबकि लगभग 5 घंटे बाद एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जिनाली से 2-3 किलोमीटर आगे सुलिया नाम की जगह है जी, यहाँ पे भारी बरसात की वजह से भूस्खलन हुआ है और ये बैरिगेट भी टूट के हो चुका है जी। तो यहाँ भारी वाहन आते हैं और सवारी वगैरह लेके आते हैं और ये बिल्कुल रोड छोटा सा बन गया है, बस बड़ी जब उससे निकल रही है। और हमारी तो यही है कि विभाग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करे और ये रोड ठीक करे। बाकी आप देख ही रहे हैं जो भी है, यहाँ बरसात की वजह से सारा गिर गया है। पापा तीन चार दिन से पा रहे हैं और उनके पैर टूटा हुआ है और हमें स्कूल जाने के लिए इस खड्ड की वजह से स्कूल जाने के लिए दिक्कत आ रही है। और मुझे स्कूल में 3 या 4 दिन के अंदर अंदर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो इसलिए मेरे को 30 रुपये फाइन पड़ गया। और मैं हम सभी खड्ड के बाहर रहते हैं और पापा जी हमारे 3-4 दिन से पा रहे हैं।